न्यू कया करें जो नसीब में नहीं लिखा होंदा वो मेहनत ते मिल जाया करें। राम राम, स्वागत है तम सारे का आज का नया व्लॉग में। सवेरे सवेरे दूध सब्जी और रसोई का और छोटा मोटा सामान लेने खातर लिख रहा तो जम्मा एकरड़ा गांव लिख रहा था। मखाई राम का भी कोने बेरा, कल तो इतना तकड़ा बरसा था और आज इतना तकड़ा चमकन लग रहा है। मेरे खातर तो सबसे बड़ी समस्या है फाटक वाली है। मैं तो जब भी लिखड़ू या फाटक बंद पावर में फाटक पर खड़ा था तो देखा स्कूल में जाने वाले बालक कई डाल के मॉडल बना रहे थे। मखा चोखा मारा तो इन मॉडल मॉडला ते पेंडा छुट गया। नहीं मामने भी बचपन में स्कूल का टाइम पर बहुत गणे इसे मॉडल बनाए हैं। घर आया तो देखा आज तो भाई करेला की सब्जी मनन लग रही है। आंटी ने फटाफट डोली में दूध काटा, ताता होना टेक दिया। तीन चार दिन गलती ते मेरे पे थोड़ा सा दूध खिंड गया था गाड़ी में, उसकी वजह से इतनी बूंदी बांस उठ रही थी गाड़ी में। न्यू लागे था कुछ मुस्सा मसा मर रहा है, लेकिन फिर जब मैंने सारा चेक कराया तो कुछ नहीं पाया, इस दूध की बांस थी। दो तीन दिन तो मैंने ये गांव में भी घेरे रखे लेकिन फिर भी इनकी बांस को नहीं गई। आखिर में मैंने तो आर मैन ली मखाए तो दोने पड़ेंगे, इन तीसरफ गले रगड़ रगड़ कर दूंगा जब जाकर इसकी बांस जाओगी। पिछले 10 दिन तक सुखविंदर का दौरा फोन करने लग रहे हो कि सुखविंदर अपना नया क्लिनिक में काम शुरू कर दे, लेकिन यो रोज के लारे ला दे था, लेकिन आज यो मैंने फंसे गया। सुखविंदर बोलिया आज तुम्हारे पे टेम को नहीं, आज एक काम करा, जितना भी अपने सामान चाहिए तड़का काम शुरू करने खातर पहला तो वो सारा सामान लिया हुआ। मखा चाल तो फिर तू दुकान पे गल्ला ही चाल, जो जो सामान लेकर आना है वो लिखवा दे। और सुखविंदर वो एक कारपेंटर है, मेरा बहुत घना विश्वास पात्र है। मैंने तो देखो इतनी घनी नॉलेज है कोनी लकड़ी लुकड़ी की, तो मैंने जब भी लकड़ी लुकड़ी का कोई भी काम करवाना हो, सोफे बनवाने हो या कुछ भी काम हो, तो मैं सुखविंदर पे करवाया करूँ। सुखविंदर ने मेरे तो बहुत घने अलग अलग टाइप की लकड़ी दिखाई और इनमें कमी और इनके फायदे गिनाए। मखा देख मेरा तो कोई समझ में कोनी आती, लेकिन तू एक बात ध्यान रख कि मेरा काम बढ़िया होना चाहिए। लकड़ी लुकड़ी कील चोबे फेविकोल जो भी लेना था वो ले लिया। और उसका बाद बारी आई सनमाइका की। सुखविंदर ने मेरे शामिया पूरी किताब खोल कर दी, बोला जी देख लो कौन सी पसंद है। मखा इसने फिर देखांगे, पहला तो हम अपना काम शुरू करो। सुखविंदर ने काम शुरू करने खातिर ही मोटा मोटा ऐसा सामान लिखवाया था, इतने में बिल बन गया पूरा 50,000 रुपया का। मखा सुखविंदर मन तो न्यू लागे जिस हिसाब से सामान आने लग रहा था, मैंने 5-6 लाख तो ऊपर पहुंचाओगे इस बजट में। सुखविंदर बोलिया अगर 5-6 लाख में भी काम चल जाए ना तो न्यू सोच लिया कि बहुत घना सस्ता में निपट गया। बहुत घनी महंगाई हो रही है, पिछले 6 महीने में सारी चीजों के रेट लगभग डबल हो लिए हैं। दुकान पर था सामान ले पाछा सुखविंदर ले गया मैंने कैथल की टिम्बर मार्केट में। राडे जाकर देखा तो कसूते बड़े बड़े गोदाम थे। सुखविंदर ने मेरे तक बताया कि देखने में सिर्फ ये न्यू लागे है कि लाकड़ पड़े हैं, लाकड़ी पड़ी है, लेकिन यू एक एक गोदाम के अंदर है ना 20-20, 30-30 करोड़ रुपया का सामान पड़ा है। आड़ा आए थे मैं हम कुछ लाकड़ी लेने, तो सुखविंदर ने बहुत गणी नॉलेज है। तो सुखविंदर बोलिया देख भाई मैं न्यू को नहीं लिया, हम तो छेंट के लेंगे, जिसमें कम तक कम गेंट होना है वही फट्टे काट दिए हमारे खातर। तो सुखविंदर ने अड़े छेंट छूट के सिर्फ 10-12 फट्टे काटे थे, इतनी आड़ में अड़े भी बिल बन गया कम से कम 30,000 रुपया का। मखा आपे भाई करोड़ों का सामान तो आपे होगा, सिर्फ ये 10-12 फट्टे 30,000 रुपये बन गए। जब मैंने जमा भी अंदाजा कौन था कि लकड़ी का सामान इतना घना महंगा होगा, जब मैंने रुपये गिनने शुरू करे तो मेरे रुपये थोड़े पड़ गए। मैंने भाई तक कहा मखा भाई ये पकड़ ले कैश में और बाकी का कर दूंगा मैं गूगल पे। भाई तक पकड़ा दिए रुपये और कह दिया मखा भाई मेरा सामान है ना हमारा क्लिनिक पर पहुंचा दिया। और अपनी खाली गोज लेकर मैं पहुंच गया क्लिनिक पे, और क्लिनिक पे चल रही थी माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग उस खातर हो रहा जिसके भाई फुंसियां के निशान हो रहे हों, गड्ढे से पड़ रहे हों, वह करवास के हैं और पिगमेंटेशन जिसने छाई का हो उन खातर भी बहुत बढ़िया हुआ है। क्लिनिक का काम निपटा के माम सारे जने पहुंच गए आनंदोर का ग्रह रास। तो सोनिया और छोटला मोहित ने जमा टाइम में कौन लाया गया रोटी खान का ई वाक इन 6 बजे के लगभग रोटी खाई है। रोटी रोटी खा के माम चाल पड़े ग्रह, और घर पहुंचे थे इतनी देर में तो मेरा दोबारा फोन आ गया कि भाई साहब जो सामान आप लिखवा के आए थे वो सारा का सारा क्लिनिक पे गया है। एक बाप क्लिनिक पावर शटर खोल दो जल्दी सी। एक क्लिनिक पर कुछ सामान तो आ गया था लेकिन बहुत घना बाकी था। तो भाइया ने बताया भाई साहब एक गेड़ा में इतना आया है, ये 2 गेड़े और लेकर आने हैं, आपने थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। मखा भाई जल्दी करियो, मन और भी बहुत घने काम है, कितनी देर वेट करूंगा माड़े। सारे अपने काम निपटा के रोटी राटी खा के मन ने सोनिया ने डिसाइड कराया कि चलो आज तो आप अपनी ऊपर वाली छत पे थोड़ी देर घूम लिया। हाँ आज का दिन मैं बहुत घना बिजी था तो व्लॉग थोड़ा छोटा बना। लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइयो किसा लग गया।